अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ। सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवी और सज्जनों, जिंदगी में ढूंढने का सिलसिला जो है वो कभी नहीं रुकता। हमारी फिल्मों में तो हीरो हीरोइन बहुत सालों से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं या ढूंढवाते रहते हैं, जैसे कि ये सुनिए। जी हाँ, हीरोइंस अगर कान की बाली ढूंढवा रही हैं तो हीरो भी कम नहीं थे, वो दूसरों को ढूंढने के काम पे लगा देते थे, जैसे कि ये। बताइए, खुद नहीं जाना चाहते, किसी दूसरे को भेज रहे हैं अपना दिल ढूंढवाने के लिए। देखिए, तरीका कोई भी हो, फिल्मों में ढूंढने का सिस्टम आज भी जोर शोर से चल रहा है। मैंने सुना है कि एक हीरो हीरोइन किसी को ढूंढते ढूंढते गोवा से मुंबई आ पहुंचे हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों यहाँ आ जाएं, हमें ढूंढना है उन महाशय को जो कल तो यहाँ हॉट सीट पर बैठे थे लेकिन आज गायब है। ये हैं लखनऊ के एक नायाब नवाब, इनका नाम है निखिल गौड़। अरे कहाँ है भाई साहब, आप आइए। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जी हाँ देवी और सज्जनों, ये हैं निखिल गौड़। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, वहां पर ये एरिया सेल्स ऑफिसर हैं। मैं आज के अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि निखिल अपने सर पर किताब इसलिए रखकर आए हैं क्योंकि इनकी पत्नी जी जो कि यहां पर मौजूद हैं, रेणुका जी, प्रणाम करता हूं आपको। इनका मानना है कि किताब रखने से इनकी चाल जो है वो सुधर जाती है। निखिल को फिल्मों का बहुत शौक है और इतना शौक है कि बचपन में ये एक फिल्म के चक्कर में दो दांत इनके खो गए थे। यस सर। जैसे ही दांत की बात की आपने अपना मुंह बंद कर लिया। हाँ सर। कौन से दांत थे भाई साहब और क्यों ऐसा हुआ? सर, 2 और 2 5 एक फिल्म थी। हाँ, पता नहीं कौन सी फिल्म थी वो। थी। जी जी, अच्छा, बहुत बढ़िया रोल था आपका। मेरा ऊपर से कूद गए थे उसमें, तो मैंने भी सोचा जब आप कूद लेते हैं तो मैं भी कूद के देख लूं। भाई साहब, हम लोग जब कूदते हैं तो बहुत प्रिकॉशन लेकर के कूदते हैं, बहुत सारे यंत्र लगाए होते हैं, उस पर हम आराम से कूद जाते हैं, लेकिन इस तरह से आपको नहीं कूदना चाहिए था। कहाँ कूद गए आप? ये लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ, दीवार से कूद गए आप? क्यों कूदे? चोर पुलिस खेल रहे थे। चलिए, ध्यान आपका अब खेल के ऊपर। कल तक इन्होंने खेलते हुए जीत लेते थे 1,60,000 रुपये और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है, एक तो है त्रिगुणी और एक है ऑडियंस पोल। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। तो निखिल जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आज के इस एपिसोड का 7वां है, 3,20,000 रुपए का खेला जाए। यस। 3,20,000 रुपए का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आ गया। जून 2014 में मुकुल रोहतगी ने इनमें से कौन सा पद भार संभाला था? ऑप्शंस आपके हैं ये, ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या डी चीफ इलेक्शन कमीशन। बहुत चर्चित बात थी ये। सी, भारत के अटॉर्नी जनरल। श्योर हैं? यस सर। एकदम फाइनल उत्तर? फाइनल उत्तर है सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। ऑलराइट महाशय, कंप्यूटर जी, भारत के अटॉर्नी जनरल सी पे ताला लगाया जाए। 3,20,000 आपकी जेब में, बहुत बहुत बधाई। चेक आ गया है और तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों। रखिए अपने पास, क्या जोड़ी है आप दोनों की, वाह, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। निखिल जी तैयार हो जाइए। 6,40,000 रुपए का प्रश्न आएगा और हंसते हंसाते हम 8वां प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ट में T20 क्रिकेट के इतिहास में एक सुपर ओवर में किस खिलाड़ी ने पहली बार मेडन ओवर किया? ऑप्शन सुनिए, ए रविचंद्रन अश्विन,
बी मुतैया मुरलीधरन, सी रविंद्र जडेजा या डी सुनील नारायण? मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, अब आपके पास दो लाइफलाइन बची हैं, फोन अ फ्रेंड की और डबल डी। फोन अ फ्रेंड लेना चाहूंगा। फोन अ फ्रेंड, ओके। कमरे जी, निखिल जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और तीन वो जो सज्जन पुरुष या महिलाएं जिनके साथ ये बात करना चाहते हैं उनको बताइए किनके पास आपको लगता है सही उत्तर होगा इसका। सुशील गौर मेरे फादर हैं, रिटायर्ड हैं, मैं सुशील गौर से बात करना चाहूंगा। सुशील गौर को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, लखनऊ में। हेलो, सुशील गौर जी बोल रहे हैं? जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। वाह साहब, क्या बात है जी, 40 साल से आपकी फिल्में देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मेरा बेटा भी 40 साल से देख रहा है, जब वो दूध शीशी से दूध पीता था। आपको बता दूं कि आपके सुपुत्र इस समय मेरे सामने विराजमान हैं। जी सर। ये जी। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, उसको दीजिएगा। जी जी। तो अगली आवाज में ये एक प्रश्न पड़ेंगे, उसके चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, आपको बताना है सही क्या है। जी सर। निखिल, आपका समय शुरू होता है अब। 2014 में T20 क्रिकेट के इतिहास में एक सुपर ओवर में किस खिलाड़ी ने पहली बार मेडन ओवर किया? रविचंद्रन अश्विन, मुथैया मुरलीधरन, रविंद्र जडेजा, सुनील नारायण? T20 सुनील नारायण पे हमें है मेडन ओवर पे। अच्छा, कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है आपको? हाँ, सुनील नारायण है जहाँ तक। मैच देखा था आपने? ये सर डबल डिप लेना चाहिए। डबल डिप लेना चाहेंगे, एक और लाइफलाइन। यस सर। कंप्यूटर जी, डबल डिप लाइफलाइन, इसे अंकित किया जाए। निखिल जी, आप गेम आप क्विट नहीं कर सकते जी। दो अवसर मिलेंगे आपको, पहला उत्तर बताइए। सुनील नारायण। कंप्यूटर महाशय, डी सुनील नारायण पे ताला लगाया जाए। आप जीत गए 6,40,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, सुनील नारायण बिल्कुल सही उत्तर था, 6,40,000 रुपए। 11 रन को डिफेंड करना था उन्होंने सुपर ओवर में। नारायण साहब की डिलीवरी ने एक विकेट मेडन इन 2014 कैरिबियन प्रीमियर लीग मैच में किया था ये। तो आप जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं और हमारा जो कोड रेड है वो अब एक्टिवेट हो गया सर। जी हाँ, एक गुजारिश। जी बोलिए। जंजीर का वो पुलिस स्टेशन वाला जो प्राण साहब को डायलॉग बोला हाँ। था वो बोल दीजिए, मैं उतर जाता हूँ। नहीं नहीं ना बैठे, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं, जब तक बैठने को ना कहा जाए सीधी तरह खड़े रहो, बस अब भी सीधी तरह अब बैठ रही। ओके निखिल जी, अब थोड़ा सा शांत मन से खेलिए। नवा प्रश्न आएगा, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास और इसका सही उत्तर आपको दे सकते हैं 12,50। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। नवा प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था और वो क्या क्या है? ऑप्शन सुनिए, ए लेजर, बी ट्रांजिस्टर, सी एक्सरे या डी वैक्यूम ट्यूब्स? एक्सरे ही लग रहा है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। पहले जो डायोड था उसमें वैक्यूम ट्यूब लग के आती थी, ट्रांजिस्टर बाद में आया, लेजर अभी है। 1901 अल्फ्रेड नोबेल के नाम। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 3,20 पर। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची आपकी। है तो एक्सरेस नहीं सर, क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? यस सर। कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा? वाइल्ड गैस हो जाएगा सर, क्योंकि ये जो घटना है ये 1930 के आसपास की, एक्सरेज में रोंजन को मिला था। नहीं करूंगा सर, क्विट करना चाहूंगा। अंतिम निर्णय आपका?
सर अंतिम निर्णय, क्विट करना चाहेंगे? यस सर। ओके निखिल गौर जी, कंप्यूटर जी, आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। 6,40,000 रुपए आपने जीते हुए हैं, ये चेक अब आपका हो गया है। चलिए, अगर आपको गेस करना होता, एक्सरे रंजन। कंप्यूटर महाशय, सी एक्सरे पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। सही, एक्सरेज इज द राइट आंसर। आप बोल तो रहे थे, काफी कुछ अनुमान भी लगा लिया था आपने। ये रकम बहुत बड़ी है, 6,40,000 भी मेरे। जी जी जी, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन 1895 बाय विलियम कॉनराड रंजन। बिल्कुल सही आपने कहा, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1901। ओके, 6,40,000 के विजेता, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई सर। अरे ये मत कीजिए, बहुत ही दिलचस्प हमारे कंटेस्टेंट निखिल गौर लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। 6,40,000 रुपए यहां से जीत करके गए, और कितनी उमदा तरीके से इन्होंने खेल खेला इसका आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। कितने हसमुख थे दोनों, और बहुत ही 6,40,000 भाई। सर आपने फैनी को देखा? सर हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, इधर आइए। देवीना सजनो, दीपिका पडुकोन, अर्जुन कपूर, बहुत बहुत स्वागत इनका। कहाँ निकले हुए हैं आप दोनों और किसे ढूंढ रहे हैं? वहां कहाँ ढूंढने निकल गई थी आप? हमारी दोस्त फैनी को ढूंढ रहे हैं सर। आपकी दोस्त है? आपकी भी दोस्त है वो? या मेरी जो दीपिका के दोस्त वो मेरे दोस्त वो? अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है कि यदि आप वहां चलकर हमारे हॉट सीट पर बैठेंगे तो शायद आपको मिल जाएंगे फैनी। तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत फिर से। कम कम जॉइन इट ऑन द हॉट सीट। तालियां बजती रहे देवियों सन्नो। तो कौन है ये फैनी, क्या है ये फाइंडिंग फैनी, शीर्षक कैसे बना है, किसे ढूंढने निकले हैं आप? ये हमारी नई फिल्म है, होमी अडाजानी ने डायरेक्ट की है। इट्स बेस्ड इन टाउन कॉल पोकली जो गोवा में है। इट्स अ फिक्टिशियस टाउन। नसीर सर इज प्लेइंग फर्डी, हु इज अ पोस्टमैन इन दैट टाउन। उन्होंने 40 साल पहले एक चिट्ठी लिखी थी और वो पोस्ट कर दी थी अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को। वो चिट्ठी वापस आ जाती है अनडिलीवर्ड आफ्टर 46 ईयर्स। He realizes he needs to get that answer whether Fanny loved him or not. वहाँ पे दीपिका के character का बहुत important turn आता है almost, where she decides कि हमें ढूंढना ही पड़ेगा Fanny को ताकि तुम्हें अपना जवाब मिल सके। Okay. अंत में क्या होता है, Fanny मिली नहीं मिली, क्या होता है? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी जो कल रिलीज हो रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कंप्यूटर जी हैं बड़े बुद्धिमान हैं। अच्छा जी, और ऐसा इन्होंने संकेत किया है कि इनको Fanny मिल गई है। अच्छा, तो हमें नहीं मिली। आपको नहीं मिली, इनको मिल गई है। अरे सुनिए कंप्यूटर जी, आप फोन लगाएंगे फैनी को? हेलो फैनी जी, बोल रही हैं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार आपका फैनी जी। हेलो अमित जी, हाउ आर यू अमित जी? हेलो फैनी जी बोल रही हैं? हाँ रोजी, आई एम रोजी अमित जी। अमित जी एक प्रॉब्लम है अमित जी। हाँ जी बोलिए। यू नो दिस इज माय फैनी सीम्स टू बिकम मोर फेमस देन फाइंडिंग फैनी रे। अरे नहीं, आप फैनी नहीं है तो आप हैं कौन? हम रोजी रे, आप भूल गए फैनी भी आता गोवा में साथ में, बॉम्बे टू गोवा। रोजी आप हैं? हाँ, रोजी। 40-50 साल के बाद आपसे बात हो रही है, कैसी हैं आप? I'm good. Please, good. Please come to Goa, sir. I will definitely come, Dimple जी. Thank you, आपकी आवाज मुझे पहचान में आ गई है। हेलो जी जी, हाँ जी सुनाई दे रहा है आप? मेरा सिग्नल तो वैसे ही चला गया, बैक का भी जा, मेरा फोन का भी जा रहा है। नहीं नहीं
आपके बात करके सारे सिग्नल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डिंपल जी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। अर्जुन और दीपिका, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप कुछ प्रश्नों का उत्तर ना दें। हाँ, माइंड और हम कोशिश सुन लीजिए, इसके कुछ नियम हैं, हम आपको बता दें जी। हर एक प्रश्न का आपको केवल 60 सेकंड मिलेगा और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। हालांकि हमारे इस खेल में लाइफलाइन वगैरह होती है, लेकिन आपको लाइफलाइन नहीं मिलेगी। 60 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपका उत्तर सही हो गया तो आपको कोई पैसे भी नहीं मिलने वाले। बट यू विल हेल्प अस फाइंड फैनी। बिल्कुल, मैं पूरी मदद करूंगा कि जो कंप्यूटर जी क्वेश्चन देंगे उसको बहुत सही तरीके से पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ओके, तो चलिए शुभारंभ करते हैं ये फाइंडिंग फैनी वाला फेयर गेम, लेट्स प्ले। कंप्यूटर महाशय, अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण के लिए पहला प्रश्न इनके स्क्रीन पर पेश किया जाए। इनमें से किसे फुबू भी कहा जाता है? सर, ए फुटबॉल, बी अर्जुन कपूर, सी फुग्गा, या डी दीपिका पादुकोण? बी अर्जुन कपूर। अरे वो क्यों नीचे करे हमें अपना साथ? फुबू। अच्छा, ताली वाली तो बज रही है, बताइए क्या लॉक करें? बोलना पड़ेगा, लॉक किया जाए, लॉक किया जाए सर, बी। या लॉक कर दिया गया है और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। फुबू ये कोई नाम हुआ? ये मेरा निकनेम है, जब मैं बहुत छोटा था, बहुत मोटा था। यू सीन मी, पहले मैं कैसे देखा हुआ मैंने आपको जी इस अवस्था में जी। तो उस अवस्था में मुझे सिर्फ कुछ कपड़े फिट आते थे। एक कंपनी थी फुबू, जो अमेरिकन फुटबॉल जर्सीज जो होते हैं ना, वैसे कपड़े बनाए करते। बड़े भारी होते हैं, बहुत ब्रॉड होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं जी, बिल्कुल मेरी तरह। तो तब मैं सिर्फ वही पहना करता था, तो मेरा ये नाम पड़ गया, रणबीर ने मेरा नाम रखा था एक्चुअली, फुबू। फुबू जी। ऑलराइट, तो ये प्रश्न तो आपने सही उत्तर दे दिया, अब देखते हैं अगले प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। अगला प्रश्न पेश किया जाए अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण के लिए। इस गाने में किसे ढूंढा जा रहा है? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। ओके, ठहर जाइए, ऑप्शन तो आने दीजिए, पहले ही से बोलना शुरू कर दिया आपने। ऑप्शन है आपके, ए शरण रोड्रिगेज, बी मर्लिन बरेटो, सी स्टेफनी फर्नांडिस, या डी एंजेलिना जोली। सी स्टेफनी फर्नांडिस। सर, बट काश हम एंजेलिना जोली को सर्च कर रहे होते। स्टेफनी फर्नांडिस, सी पे ताला लगा जाए, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। अच्छा, ये एक बड़ा ही अद्भुत खेल है जो अभी हम आपके साथ खेल रहे हैं। इसमें आमतौर पर मैं बताता हूँ कि उत्तर के बारे में, आपको अब बताना पड़ेगा कि क्या है, कौन है ये स्टेफनी फर्नांडिस और इस गाने में कैसे ये आ गया? सर, यही तो है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ये अच्छा, जिसे ढूंढ रहे हैं जी, इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टेफानी, स्टेफानी फर्नांडिस। ओहो, स्टेफानी जी। ओहो हो, वाह क्या बात है। लाइक फुबू, अर्जुन कपूर, स्टेफानी, स्टेफानी, क्या जोड़ा है, वाह वाह। ओके, तो ये भी सही उत्तर हो गया है। अब अगला प्रश्न देखिए, ढूंढिए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। अंग्रेजी में फैनी शब्द इनमें से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए खिड़की, बी पंखा, सी तशरीफ की टोकरी, या डी मैगजीन। सर, सी तशरीफ की टोकरी। श्योर है जी? तशरीफ की टोकरी, सी, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत पोलाइटली जब बोला जाता है कि आप यहाँ बैठिए, तो कहते हैं आप यहाँ पर तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए, अच्छा। तो अब इस फिल्म के बाद बोला जाएगा आप अपनी फैनी यहाँ रखिए। या अपनी फैनी का टोकरा यहाँ रखिए, कुछ भी। तशरीफ की टोकरी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। Hot and happening इनमें से किस पर लागू होता है? And both of you have to agree on this one. दोनों को agree करना पड़ेगा कि ये सही है उत्तर।
ऑप्शन सुनिए, ए रणबीर कपूर, बी रणवीर सिंह, सी आदित्य रॉय कपूर या डी अर्जुन कपूर। पास। चार चार ऑप्शन मिले फिर भी पास। 40 सेकंड बचे। So who according to you is hot and happening? I think it's D Arjun Kapoor. पक्का? I'm not sure. वो A वाला कपूर नहीं ना? I'm not sure. इस उत्तर के लिए आपको दोनों को सहमति दिखानी होगी। But B? सहमत होना चाहिए आप दोनों को। You don't think B is hot and happening? Sir, it's between C and D, sir. I'm not. Yeah! Sir, D Arjun Kapoor. Left 20 seconds. 20 सेकंड रह गए। Agreed, sir. I'm deciding for him also. Arjun. मतलब दीपिका पादुकोण कॉलिंग मी हॉट एंड हैपनिंग, लॉक किया जाए सर। डी अर्जुन कपूर, ताला लगाइए। इज राइट, हॉट एंड हैपनिंग। आज देश की आवाम असलियत जान गई। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगा दीपिका जी कि ये हॉट एंड हैपनिंग है? बाकी क्यों नहीं? फीलिंग सर, गट फीलिंग। गट फीलिंग थी आपकी। आपको अर्जुन क्यों ऐसा लगा कि आप ही हैं हॉट एंड हैपनिंग? अगर दीपिका पादुकोण आपको हॉट एंड हैपनिंग बुलाएगी तो आप हाई बोलोगे, ना थोड़ी ना बोलोगे सर। ऐसा क्या है कि जो बाकी तीन नाम थे वो हॉट एंड हैपनिंग नहीं थे? हाँ सर, इट हो सकता था पर डू यू फील बी इज हॉट एंड हैपनिंग? आई फील बी इज वेरी हॉट एंड। व्हाट अबाउट ए एंड व्हाट अबाउट सी? जी I've lost my जरूरी चीज है कि दीपिका पादुकोण ने कहा दैट आई एम हॉट एंड हैपनिंग, तो इस बात पे जोरदार तालियां। ओके, ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाइए। कबीर महाशय, अगला प्रश्न दिया जाए अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण के लिए। ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों के गालों में गड्ढे यानी डिंपल्स पड़ते हैं? गालों में गड्ढे। ए चेन्नई एक्सप्रेस, बी ये जवानी है दीवानी, सी रामलीला या डी फाइंडिंग फैनी। ए चेन्नई एक्सप्रेस। इवन आई गेट डिंपल्स, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, आपके डिंपल देखेंगे तो ना, दाढ़ी तो नहीं बनाइए वहां से। ए चेन्नई एक्सप्रेस पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। सर आई एम नॉट हैप्पी विद दिस क्वेश्चन। छुरी उरी मारी यहाँ पर, कुछ तो कुछ हो जाए लेकिन होते ही नहीं। वो अभी क्या है, इट्स नॉट अ डिफेक्ट। क्या होता है वृद्धावस्था में जब गाल वाल नीचे सड़कने लगेंगे अपने आप वो बन जाएंगे डिम्पल। ओके, तो आपका गेम जो है वो समाप्त होता है और हम तालियों के साथ इनका एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दीपिका एंड अर्जुन। थैंक यू। अब हम ढूंढेंगे कि हमारा अगला कंटेस्टेंट कौन होने वाला है। तो हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, बहुत ध्यान से और होशियारी से खेलिएगा। तैयार हो जाइए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। जमीन से शुरू करते हुए इन खेल क्षेत्रों या साधनों को इनकी ऊंचाई के अनुसार नीचे से ऊपर के क्रम में आपको लगाना है और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए टेबल टेनिस की टेबल, बी वॉलीबॉल का नेट, सी बास्केटबॉल का बास्केट या डी क्रिकेट पिच। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। कंप्यूटर महाशय बता रहे हैं कि सबसे पहले है डी क्रिकेट पिच जो जमीन पर होता है, फिर आता है ए टेबल टेनिस की टेबल 2 फीट 6 इंच पर होता है, बी वॉलीबॉल का नेट 8 फुट पर और सी बास्केटबॉल की बास्केट या बास्केट 10 फीट के ऊपर होती है वो। डी ए बी सी, ये है सही क्रम और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। 3 लोगों ने सही जवाब और सबसे तेज जवाब कौशल्या कुमारी। I
बहुत बहुत बधाई आपको। मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाती हूँ, वहाँ से बहुत अच्छी अमाउंट जीत कर आती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी दीदी की शादी करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी दीदी की शादी जो है वो पैसे की वजह से बात बनते बनते रह जाती है, दहेज की डिमांड करते हैं वो जो हम लोग नहीं दे पाते, और मैं नहीं चाहती कि मुझको भी ऐसे मुश्किल टाइम से गुजरना पड़े। ये दहेज लेन देने वाली बात चलती रहती है तो लड़कियों के अंदर जो आगे बढ़ने का हौसला है वो हौसला उसका पस्त हो जाता है, इसलिए लोगों को दहेज मिलना ज़रूरी है ऐसा हम नहीं समझते। मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल बनना चाहती हूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करें, मैं फेमस हो जाऊँ और मुझे अपना राइट पार्टनर चुनने का मौका मिले, ताकि मेरे पापा को दहेज देने की टेंशन से ना गुजरना पड़े। मेरे सामने अब हॉट सीट पर विराजमान हैं भोजपुर बिहार से आई एक प्राइमरी टीचर जिनका नाम है कौशल्य कुमारी। ऐसी बातें जब हम सुनते हैं कौशल्य जी, हमें बड़ा कष्ट होता है, और मैं जानता हूं कि बहुत से लोग जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत सी यहां जो जनता भी मौजूद है उनको भी उतना ही कष्ट होता होगा, लेकिन जितने भी कॉन्टेस्टेंट आते हैं यहाँ पर और जो दहेज की बात करते हैं वो सब ये कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही एक ज़रूरी कार्यक्रम बन गया है। यस बिल्कुल, ये रिवाज जैसा बन गया है। हम ऐसा सोचते हैं कि शादी दो दिलों का मेल होता है, बिल्कुल, लेकिन आजकल जो मेंटलिटी लोगों की बन गई है वो ये है कि शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों के बैंक बैलेंस का मिलन होता है, जिसमें कि जो लड़की के फैमिली होते हैं उनका बैंक बैलेंस भारी होना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत सोच है और बड़ी गलत विचार। सर, बट प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किया जाए सर? जी हाँ, जिनसे हम लड़ेंगे, जिनके खिलाफ हम बोलेंगे, उन्हीं में हमें फिर जाना भी है। जी हाँ जी हाँ, तो लेकिन उनके पास ना जाइए आप। सर, हम क्या कर सकते हैं, शादी भी एक जरूरी है, अगर आप शादी नहीं करते हैं तो लोग आपको भी ताने दे दे करके मार डालेंगे, वो तो ऐसे ही मार डालेंगे। हमारी जैसे परिवेश है उसमें लड़कियां 18 के बाद माँ बाप को कोस कोस के मार डालते हैं कि आपने अभी तक शादी नहीं करी, लड़कियों को बिठा कर रखा हुआ है, पैसे नहीं देना चाहते हैं, वो इतना भी बोलते हैं कि पैसे नहीं देना चाहते आप इसलिए शादी नहीं हो रही है, आप कंजूस हो, बेटी को सुखी नहीं देखना चाहते हो। क्या कहा जाए ऐसे, कि हमारे पास तो शब्द नहीं है कि किस तरह से उनकी निंदा की जाए जो इस तरह की सोच विचार लेकर के चलते हैं। आपके पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर, मेरा यहाँ आने का एक और बहुत बड़ा मकसद है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती और उनको घर में बिठा के रखते हैं, मैं उन लोगों को ये प्रूव करना चाहती हूं कि नहीं, लड़कियां बहुत कुछ कर सकती जी हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छे विचार आपके, हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मेहनत कीजिए कौशल्य जी, हम सब आपके साथ हैं और आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर जाएं, इस वजह से नहीं कि आपको दहेज देना पड़ेगा, बल्कि इस वजह से कि आप समाज को और देश को दिखा सकें कि एक महिला भी बहुत प्रबल होती है। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। कौशल्या जी, रूल्स तो आपको पता ही है, 7 करोड़ रुपए आपको जीतना है यहाँ से और 14 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए और जीत जाइएगा। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप, त्रिगुणी, जिनके परिचय हम आपको दे चुके हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, उसके बाद हैं प्रियंवदा जी और मयंक त्रिवेदी जी यहाँ पर बैठे हुए, सही उत्तर आप इनसे मांग सकती हैं। तो कौशल्या जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। मशहूर प्रेमियों का इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन सुनिए, ए लैला मजनू, बी सोहनी महिवाल, सी श्री फरहाद, या डी रांझा अनारकली। सर, डी रांझा अनारकली। ताला लगा दिया जाए इसको? बिल्कुल सर। ऑल राइट, डी रांझा अनारकली, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आप 5,000 जीत गए, बहुत आसान सा सवाल था ये। तो कौशल्य जी तैयार हो जाइए, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आएगा आपके सामने। 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सामूहिक रूप से क्या कहा गया है?
ऑप्शन सुनिए, ए पंचामृत, बी पंचतत्व, सी पंचजन्य या डी पंचतीर्थ। सर बी पंचतत्व। पंचतत्व बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर है सर, लॉक कर दीजिए। ओके, बी पंचतत्व पे ताला लगा जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गई और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। बहुत बहुत बधाई, 10,000 रुपए निश्चित रूप से आज आप यहाँ से ले जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए। ओके, 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। इनमें से किन नोटों को जोड़ने पर उसका मूल्य सबसे ज्यादा होगा? ए 4 नोट 500 रुपए के, 100 रुपए के 20 नोट, 50 रुपए के 10 नोट या 1,000 रुपए के 3 नोट। सर मैं लाइफलाइन। अरे शांत हो जाए, टिकटॉक इस पे लाइफलाइन। सर मैं कंफ्यूज हो गई। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे आप? चलिए ऑडियंस, वोटिंग मीटर रखिए अपने हाथ में और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। समय शुरू होता है अब। ¿84% जनता बोली डी 3 नोट 1,000 रुपए। आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना। चलिए कमीना महाशय, 3 notes of 1,000 rupees, डी ताला लगाइए। सही उत्तर है जनता का। Well played, audience. सर, आप कुछ बोले से पहले मैं बहुत साधारण सा गणित है ये। यस सर, मैं एक्चुअली थोड़ी नर्वस हो गई हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं। नहीं नहीं, नर्वस इसमें क्या होने की बात है, आराम से एकदम इत्मीनान से बैठ करके सोच के आपको उत्तर देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं कि आप किस तरह से खेलती हैं। तो 20,000 रुपये, अरे हुटर बज गया है, समय समाप्त हो गया है। कोई बात नहीं, आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह पर और इसी कुर्सी पर। तो हमारा जो देवियों सज्जनों घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रश्न हम पूछते हैं, उसका परिणाम हमको बताना है। बताया जाए कौन है वो धनवान जिनको 1,00,000 रुपए घर बैठे बैठे मिल गया है। करण सिंह गौतम, करण सिंह गौतम ये है लखनऊ से, फोन लगाया जाए करण सिंह जी को। हेलो। हाँ करण सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ करण सिंह गौतम बोल रहे हैं जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से बात करके बहुत अभिभूत हो रहा हूँ। अरे मुझे कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ या सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद करण सिंह जी। करण सिंह जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप 1,00,000 रुपए जीत गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस खेल में एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है जी। तो अगर आप उसे खेले और जीत गए तो 2,00,000 और जीत सकते हैं। जी जी जी, मुझे बात करने का और आपसे ज्यादा मौका मिलेगा, इसलिए मैं उसको खेलना चाहूंगा। और आपको याद है कि अगर ये उत्तर गलत हो गया तो ये 1,00,000 रुपए भी खो देंगे आप? ये बात करना का जो वो मुझे मौका मिल रहा है वो उसका मूल्य इन पैसों से बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करण सिंह जी। कबीरा महाशय, जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। सुनील दत्त ने किस अभिनेत्री को एक फिल्म के सेट पर लगी आग से बचाया था? ऑप्शन ऑप्शन सुनिए, ए वहीदा रहमान, बी सायरा बानू, सी नरगिस या डी मधुबाला। सी नरगिस। श्योर है? बिल्कुल कतई, 100%। ताला लगाया जाए नरगिस पे। कबीर महाशय बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 2,00,000 रुपए और जीत गए आप। करण सिंह जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपके साथ बात करके और आपके विजय के ऊपर हम सब अभिनंदन कर रहे हैं तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो देवियों सज्जनों, अब आज का समय यहीं समाप्त होता है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। नए लोग होंगे, नई बातें होंगी, नए खेल होगा और नए उत्साह के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, अपने फोटोज वगैरह हमें भेजते रहा कीजिए, और कोई ऐसी दिलचस्प जानकारी हो जिसके बारे में हम चर्चा कर सकें वो अवश्य हमें भेजते रहिएगा। हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर है 17680,
या फिर आप हमारे वेब पर भेज सकते हैं www.kbcsony.com पर। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।